राजनीति में कदम रखने वाले सनी देओल के लिए यूं तो यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा, लेकिन इसी सफर के बीच आज हम आपको धर्मेंद्र के कुछ बयानों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र, जो कि अपने बेटे सनी देओल के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से ही काफी ज्यादा खबरों में आए, अपने बयानों को लेकर धर्मेंद्र ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, तो वहीं हाल ही में धर्मेंद्र का दर्द भी छलका है सनी देओल के गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ने की जंग के बीच। तो वहीं वोट्स तो पड़ चुके हैं, 19 मई को आखिरी चरण के तहत, सातवें चरण के तहत गुरदासपुर की सीट पर, लेकिन अब 23 मई को जो रिजल्ट आने वाले हैं, उस रिजल्ट से पहले किस तरीके से पिता धर्मेंद्र के कुछ बयान वायरल होने लगे हैं, पिता धर्मेंद्र का किस तरीके से दर्द बयां होने लग गया है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराना चाहेंगे। भाजपा के टिकट पर गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे धर्मेंद्र के बेटे अभिनेता सनी देओल चुनावी थकान मिटाने मनाली पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार सनी देओल मनाली के शिमला स्थित अपने कॉटेज में छुट्टियां मना रहे हैं। आपको बता दें कि देओल सोमवार देर शाम चार्टर्ड विमान में भंतूर एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो वहीं देओल 23 मई को वापस लौटेंगे। इतना ही नहीं, सनी देओल साल में एक से दो बार मनाली आते रहते हैं, कभी बेटे तो कभी भाई बॉबी देओल के साथ यहां पर पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, बीते साल अपने बेटे की फिल्म की शूटिंग के दौरान भी सनी देओल काफी समय तक मनाली में रहे और ग्रामीणों से भी मिले। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी देते चले कि गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सनी देओल की टक्कर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील जाखड़ से है। लोकसभा चुनाव 2019 निपट चुके हैं और 23 मई को नतीजे आने वाले हैं। चुनाव में सनी ने पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकी, तो वहीं सनी का चुनाव लड़ना धर्मेंद्र को ऐसा दर्द दे गया जिसकी 30 बार बार उठती है। धर्मेंद्र इस दर्द को बोला नहीं पाए हैं, इस दर्द को लगातार ही उसके बारे में बात करते हुए नजर आए। धर्मेंद्र का ये दर्द है कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ के खिलाफ सनी देओल का चुनाव लड़ना। सुनील लोकप्रिय नेता स्वर्गीय बलराम जाखड़ के बेटे हैं, धर्मेंद्र जाखड़ परिवार के बेहद ज्यादा करीब रहे हैं और तो और यही बात उन्हें अब खल रही है। धर्मेंद्र ने शेर के अंदाज में ट्वीट करके अपने हाले दिल को बयां किया है। सगो से रिश्ते एक जमाने से तोड़ गई पलों में, कमखत सियासत बरकरार है, बरकरार रहेगी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से जाखड़ के नाम। अल्फाज बता रहे हैं कि धर्मेंद्र को ये बात कितने गहरे तक चुभ रही है कि सनी देओल सुनील के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र जब चुनाव प्रचार के लिए गुरदासपुर गए थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हें अगर पहले पता होता कि गुरदासपुर से सुनील जाखड़ खड़े हैं, तो कभी भी सनी को वहां से चुनाव नहीं लड़ने देते। सुनील को उन्होंने अपने बेटे की तरह बताया था। गुरदासपुर से स्वर्गीय एक्टर विनोद खन्ना बीजेपी के सांसद थे और उनके जाने के बाद उपचुनाव में ये सीट सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के टिकट पर जीत ली और अब सनी बीजेपी के टिकट पर उनके सामने नजर आए। आपको बता दें कि सनी देओल का राजनीति में आना पूर्व नियोजित नहीं था और इलेक्शन के दौरान ही बीजेपी ने उन्हें गुरदासपुर से लड़ने के लिए उतार दिया, तो वहीं जाखड़ परिवार से अपनी नजदीकियों के चलते धर्मेंद्र ने खुद पंजाब से कभी चुनाव नहीं लड़ पाए। बीकानेर से वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। राजस्थान में धर्मेंद्र ने कुछ सीटों पर लड़ने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि बलराम जाखड़ वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे। बलराम जाखड़ को धर्मेंद्र अपने बड़े भाई की तरह मानते थे और साथ ही साथ इसी दर्द का खुलासा हाल ही में एक बार फिर से धर्मेंद्र ने किया है और धर्मेंद्र ने एक बार फिर से इस दर्द का जिक्र करते हुए अपने बेटे सनी देओल के बारे में बात की, लेकिन धर्मेंद्र भी चाहते हैं कि सनी देओल जो है इस सीट पर जीत हासिल करें। हाल ही में वैसे दर्द बयां हुआ है धर्मेंद्र का और वो काफी दुखी भी है। जब बात बेटे पे आती है तो धर्मेंद्र का दर्द कई बार झलका हुआ देखा भी गया है। गुरदासपुर की सीट पर जिस तरीके से सनी देओल जो हैं अपनी चुनावी जंग जीत रहे हैं, जिस तरह का एग्जिट पोल हाल ही में सामने आया है, दरअसल एग्जिट पोल की मानी जाए तो सनी देओल को जाखड़ के मुकाबले बढ़ोतरी मिली है, जो सुनील जाखड़ उनके खिलाफ खड़े हुए हैं।
उनके मुकाबले सनी देओल को एग्जिट पोल में वोट्स की बढ़ोतरी बताई गई है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि अब धर्मेंद्र के कुछ बयानों ने भी बताया कि किस तरीके से जीत सकते हैं सनी देओल। खैर आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।